नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश शर्मा आप लोगों को ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाली वीडियो में स्वागत करता हूं। और ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे पूरा का पूरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे बिल्ड करें। देखो, ये 2024 अभी शुरू हो गया है, तो अभी आपको ट्रेडिंग वैसे नहीं करना है जैसे आपने 2022 या 23 में किया। आपको नई तरीके से ट्रेडिंग करना है। आपने यूट्यूब में बहुत बार स्ट्रैटेजी देख लिया, आपने इंडिकेटर्स को आपने देख लिया, मतलब बहुत सारे स्ट्रैटेजी को आपने एक्सप्लोर कर लिया, लेकिन क्या ट्रेडिंग में आपको स्ट्रैटेजी से ही पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब जैसे अगर आपको अपने शरीर का वजन को घटाना है, तो इसमें आपको लगता है कि एक्सरसाइज ज्यादा करना पड़ेगा। नहीं, एक्सरसाइज इज ओनली 20%। जो 80% जो काम करता है वो है आपका डाइट। तो वैसे ही ट्रेडिंग में आपको ऐसा लगता होगा कि एक स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करेगा, लेकिन स्ट्रैटेजी इज ओनली 20%, ठीक है। और जो आपका 80% जो पार्ट है ट्रेडिंग में सक्सेस होने का, वो है आपकी साइकोलॉजी। तो इसीलिए ये वीडियो में लेके आया हूँ। ये पूरा का पूरा एक कोर्स है, एक लंबा सा कोर्स है। हो सकता है ये वीडियो काफी लंबा हो, तो अगर आपको सही में सीखना है, सही में आपको ट्रेडिंग से पैसा कमाना है और ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना है, तो आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मास्टर करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ये कोर्स का मैंने नाम दिया है ट्रेडिंग माइंड मास्टरी। मतलब कि हम लोगों का जो माइंड है, जो ट्रेडर का माइंड होता है, उसको मैंने कह दिया है ट्रेडिंग माइंड। तो हमें ये ट्रेडिंग माइंड को मास्टर करना है, इसके ऊपर हमें काबू पाना है। तो ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रैक्टिकल वेज टू बिल्ड सॉलिड ट्रेडिंग साइकोलॉजी। देखो, अगर आपने अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कमजोर किया, अगर आपका माइंड कमजोर है, अगर आपके पास मेंटल पावर नहीं है, तो आप ट्रेडिंग में कभी सफल नहीं बन पाओगे। क्योंकि अगर आप मेंटली कमजोर है, तो एक दो लॉस होने के बाद आपको दूसरा ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर आपका बुरा फेस चल रहा है, तो उसमें आप खुद टिक नहीं पाओगे। अगर आपका माइंड, अगर आपकी साइकोलॉजी कमजोर है, तो आपको ट्रेड लेने के बाद अगर मार्केट थोड़ा सा भी नीचे या आपके फेवर में नहीं चला, तो आपको डर लगने लगेगा। अगर आपने थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी लिया, तो आपको डर लगने लगेगा। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम होगा, ये सारा का सारा प्रॉब्लम अगर हो गया, तो आप सही तरीके से ट्रेड नहीं ले पाओगे। सो इट्स इसीलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इसको मास्टर करो, इसको और स्ट्रांग बनाओ। तो ये इसको एक कोर्स की तरह लेना, और आप यहाँ से पूरा का पूरा नॉलेज लेके जाना, और 2024 में आप एक अच्छे ट्रेडर बनना, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। तो ये कोर्स को अभी हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं व्हाई दिस प्रोग्राम, कि हमें ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी का जो क्लास है, इसको क्यों लेना है। देखो, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बोला है कि हम लोग काफी टाइम मार्केट में इस स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी इज ओनली 20%। जो रेस्ट 80% का जो काम होता है, वो साइकोलॉजी करता है। और YouTube में आप देखो, स्ट्रैटेजी के ऊपर भर भर के वीडियोस पड़े हैं, लेकिन क्या आप कभी मार्केट में प्रॉफिटेबल हुए हो? नहीं, क्योंकि आपने अपने साइकोलॉजी के ऊपर काम ही नहीं किया है। तो ये वीडियो में हम लोग साइकोलॉजी के ऊपर काम करेंगे। अब यहाँ ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कि जो हमारा माइंड है, मतलब जिसको अभी हम मास्टर करने जा रहे हैं, तो आप लोगों को मैं एक बता दूँ, अगर जिस भी चीज में कंट्रोल ना हो ना, तो उससे तबाही होता है। फॉर एग्जाम्पल, आग, मतलब जो फायर है, अगर फायर के ऊपर कंट्रोल ही ना हो, तो क्या करेगा ये? एक्सीडेंट करेगा, बड़ा बड़ा कैजुअलिटीज होगा यहाँ। अगर वाटर की, जिसके ऊपर अगर कंट्रोल ही ना हो, जो कि काफी पावरफुल चीज है, तो क्या होगा? बहुत सुनामी आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, है ना। मतलब कि अगर पावरफुल चीज को कंट्रोल नहीं किया, तो बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। तो वैसे ही हमारा माइंड एक पावरफुल एंटिटी है, हमारा माइंड काफी पावरफुल चीज है। तो अगर ये माइंड के ऊपर हम लोगों ने कंट्रोल नहीं पाया, तो लाइफ में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसीलिए हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना है। और ट्रेडिंग में, कि जहां आप हर दिन ओवर ट्रेडिंग करते हो, आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो ये फील्ड में भी आपको अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए माइंड के ऊपर आपको काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रोग्राम मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो अभी ये प्रोग्राम कैसे चलेगा? तो ये प्रोग्राम पूरा का पूरा यूट्यूब में चलेगा, और इसका दो पार्ट होने वाला है। तो
तो पहला पार्ट में हम लोग थ्योरी सीखेंगे, फॉर एग्जाम्पल कि थ्योरी में क्या होता है कि माइंड क्या है, हमारा माइंड का पावर्स एंड फंक्शन क्या है, हमारा माइंड कैसे काम करता है। तो हम पूरा का पूरा माइंड के ऊपर एक थ्योरिटिकल सेशन लेंगे, और थ्योरी सीखने के बाद हम लोग इसको प्रैक्टिकल में अमल लाएंगे, मतलब कि ये जो हम लोग उस थ्योरी में सीखते हैं ना, इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करना। जो हमारा माइंड का पावर है, आपने इसको तो जान लिया, आपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को तो समझ लिया, लेकिन प्रैक्टिकली इसको कैसे अप्लाई करना, तो ये हम लोग सीखेंगे। तो ये जो पूरा वीडियो रहने वाला है, ये थ्योरिटिकल सेशन के ऊपर रहने वाला है, और उसके बाद अगला वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल सेशन के बारे में सीखेंगे, जहाँ हम लोग अलग अलग जो माइंड की टेक्निक से इसको यूज करेंगे और आपको एक बढ़िया सा एक इंसान बनाएंगे, एक बढ़िया सा ट्रेडर बनाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों को ये भी मतलब जानना रहेगा कि ये आपको मास्टर करने में कितना टाइम लगेगा। देखो, साइंटिफिकली अगर बात करें तो इंसान को अपना जो माइंड का स्ट्रक्चर है, या फिर अपना जो हैबिट होता है ना, उसको चेंज करने के लिए 21 डेज का टाइम लगता है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि हमको पूरा का पूरा चेंज देखने के लिए 21 डेज लग सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपने इसको समझ लिया, अगर आपके अंदर से रियलाइजेशन हो गया, तो आप पहले दिन से ही इसके ऊपर आपको चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप 21 डेज मान के चलो, और अगर आप 21 डेज के बाद ही अगर आप इसको फॉलो करते हो, तो आपका पूरा का पूरा लाइफ में बदलाव आने वाला है, मतलब चेंजेस आने वाला है। तो अभी माइंड प्रोग्रामिंग क्या है? देखो, हमें माइंड को प्रोग्राम क्यों करना है? व्हाई शुड बी रीप्रोग्राम आवर माइंड? तो इसमें आप लोगों को ना, हमारा जो माइंड क्या है, पहले माइंड को समझ लो। ये जो माइंड है ना, ये गीली मिट्टी की तरह है, जो गीली मिट्टी होता है उसकी तरह है। ये गीली मिट्टी को आप जिस भी रूप दोगे ना, वही रूप लेगा। मतलब अगर आप इसको एक बर्तन में बनाएंगे, या फिर इसका ग्लास बनाएंगे, जो जो बनता है ना मिट्टी से, मतलब आप इसको जो भी रूप चाहो वो रूप दे सकते हो। और हमारा माइंड भी गीली मिट्टी की तरह है, आप इसको जिस तरीके का रूप देना चाहो आप वही रूप दे सकते हो। हाँ, आपको शायद पता नहीं होगा, आप अनजाने में आप अपने माइंड का एक रूप, एक शेप एंड साइज दे रहे हो, लेकिन अगर आपने इसको कंट्रोल वे में दिया ना, तो आपका लाइफ बढ़िया हो जाएगा। ऐसा हो जाता है ना कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपका ये गलत आदत आपके ऊपर आ गया, आपको पता ही नहीं कि कब आप गलत रास्ते पे चल गए। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि धीरे धीरे करके माइंड का एक मतलब माइंड आपका एक अलग दिशा में चल गया, माइंड ने एक अलग रूप ले लिया। तो अगर आप ये रूप को बदलना चाहो, तो आप बदल सकते हो, और इसका जो फॉर्मेशन है और इसका जो रूप है, आप इसको टोटली चेंज कर सकते हो। तो वही हम लोग ये कोर्स में सीखने वाले हैं। और उससे पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज माइंड, क्योंकि आप माइंड के ऊपर काम कर रहे हो, आप साइकोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज माइंड। तो माइंड क्या है, इसका अगर आपको कंसेप्चुअली जानना है, तो आपको माइंड और ब्रेन के बीच में क्या डिफरेंस है वो जानना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कि ये सेशन थोड़ा सा बायोलॉजी की तरफ भी जाए, या फिर थोड़ा सा आपको ट्रेडिंग से अलग लगे, लेकिन एट द एंड जब ये कोर्स खत्म होगा ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये जो बातें मैंने आप लोगों को बताया है कि ये ट्रेडिंग में कितना रिलेटेबल है, और आप इसको यूज करके ट्रेडिंग में कैसे बदलाव ले आ सकते हो, वो आपको लास्ट में पता चलेगा। तो अभी आप ये समझो कि आपका ये काउंसलिंग भी हो सकता है, या फिर आप इसको मोटिवेशन की तरह भी, मोटिवेशन सेशन की तरह भी ले सकते हो, लेकिन हाँ, आपको इतना ही ध्यान में रखना कि ये आपके लिए बहुत काम आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे व्हाट इज माइंड, देखो, माइंड को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि माइंड और ब्रेन ये दोनों अलग चीज है। मतलब शायद आप लोगों को ये लगता होगा कि माइंड और जो ब्रेन है ये सेम है, लेकिन नहीं, माइंड अलग चीज होता है और ब्रेन अलग चीज होता है। ठीक है, तो आपको इसका डिफरेंस में अगर मैं बताऊं ना, डिफरेंस ये है कि आपके शरीर में जैसे अलग अलग ऑर्गेन्स है, जैसे कि किडनी है, आपके पास लीवर है, आपके पास पेनक्रियाज है, मतलब अलग अलग जो बॉडी का ऑर्गेन है ना, वो मतलब आपके शरीर में है, वैसे ही ब्रेन भी एक ऑर्गेन है, जो आपके खोपड़ी में, मतलब जो आपका सिर है वहाँ पे जो एक ऑर्गेन है, इसको हम लोग ब्रेन बोलते हैं। मतलब ब्रेन को आप उसका फोटो ले सकते हो, आप देख सकते हो, मतलब एक शेप में होता है ब्रेन। ठीक है, मतलब इसका एक फिजिकल रूप होता है, लेकिन जो आपका माइंड है ना, माइंड का कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं होता। मतलब माइंड एक इनविजिबल ऑर्गेन है, मतलब सॉरी, एक इनविजिबल एंटिटी है, मतलब आप इसको देख नहीं सकते हो, लेकिन ये जो माइंड है वो आपके शरीर में है।
मतलब ब्रेन जो है वो फिजिकल है और जो माइंड है वो नॉन फिजिकल है। तो अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल से समझाऊं, जैसे आप लोगों को इलेक्ट्रिकल वायर पता है, ठीक है, आप जो इलेक्ट्रिकल वायर है इसको देख सकते हो, इसका फोटो ले सकते हो, आप इसको बेंड कर सकते हो, टच कर सकते हो, है ना। तो लेकिन क्या ये इलेक्ट्रिकल जो वायर है इसमें जो कूदने वाला जो करंट है, क्या आप करंट को देख सकते हो? क्या आप करंट का फोटो लेके दिखा सकते हो कि ये है करंट? क्या आप करंट को छू सकते हो? या करंट का कोई कलर या कोई शेप होता है? नहीं होता है ना। वैसे ही जो हमारा ब्रेन है वो इलेक्ट्रिकल वायर का जैसा है, आप इसको टच कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन जो ये वायर के अंदर कूदने वाला जो करंट है ना वो हमारा माइंड है। मतलब इसका कोई फिजिकल रूप नहीं है, आप इसका शेप साइज नहीं देख सकते, लेकिन ये है। मतलब कि माइंड एक नॉन फिजिकल एंटिटी है और जो ब्रेन है वो फिजिकल है। आप माइंड को छू नहीं सकते हो लेकिन ब्रेन को आप छू सकते हो। लेकिन जो मतलब जो मतलब डॉक्टर सर्जरी करने या जो ब्रेन निकालते हैं ना मेडिकल स्टूडेंट वाले को मतलब पढ़ाने के लिए, आप उस ब्रेन को देख सकते हो लेकिन माइंड को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। माइंड क्या है? माइंड एक एनर्जी है। मतलब आपको बोलो कि माइंड एक शक्ति है, एक एनर्जी है, जिसका पावर को आपको महसूस करना है, जिसकी पावर की वजह से आपको दुनिया में रहना है और खुद को चलाना है। तो ये है माइंड। सो माइंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी पावरफुल थिंग। तो अभी आपको ये माइंड को मास्टर करना आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने समझा कि माइंड एक नॉन फिजिकल एंटिटी है, ओके, एक शक्ति की तरह है, ये हमारे शरीर में है और इसी को हमें यूज करना है। अब जब हम माइंड के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दो प्रकार का माइंड होता है, ठीक है, दो प्रकार का माइंड होता है, और एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। अब जो हमारा कॉन्शियस माइंड है इसके पास 10% पावर है, और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है इसके पास 90% पावर है। अब जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये जो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपका कॉन्शियस माइंड है उसके पास 10% पावर है और सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर है। तो अभी ये कोर्स में हम लोग क्या करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में समझेंगे, क्योंकि कॉन्शियस माइंड तो एक सिंपल सा है, इसके पास तो सिर्फ 10% का पावर है। और जो आप स्कूल में जाते हो, एजुकेशन लेते हो, आप मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, या फिर लाइफ में थोड़ा सा आप लॉजिकल हो जाते हो, है ना, ये सब कुछ एक कॉन्शियस माइंड का पावर है। लेकिन अगर आपको लाइफ में सक्सेस पाना है, अपने आप के ऊपर काबू पाना है, कंट्रोल पाना है, लाइफ में कुछ बड़ा सा करना है, तो आपको सबकॉन्शियस माइंड को यूज करना पड़ेगा। जब बड़ा बड़े से बड़ा ट्रेडर है जो कि आप यूट्यूब में देखते हो, वो सबकॉन्शियस माइंड को जाने या अनजाने में यूज करना जानते हैं और इसीलिए वो बड़े ट्रेडर है। अगर आपको लाइफ में सिंपल सा लाइफ जीना है तो आपको कुछ नहीं करना, लेकिन अगर आप लाइफ में बड़ा कुछ करना चाहते हो तो आपको सबकॉन्शियस माइंड का पावर को जाने या अनजाने में यूज करना ही पड़ेगा। इसके बिना हम लोग लाइफ में सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड को जानना, उसका पावर, उसकी पावर को पहचानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो कि ये हमारा माइंड है, ये जो सर्कुलर पार्ट है, ये जो हमारा हमारा माइंड है। अब आप ऐसा विजुलाइज कर सकते हो कि यहाँ पे एक लाइन को खींच लिया मैंने, और इससे ऊपर का जो 10% पार्ट है ये आपका कॉन्शियस माइंड है, ठीक है, और इसके नीचे जो 90% पार्ट है ये सबकॉन्शियस माइंड है। अब ऐसा जो कहा जाता है ना कि हमारे पास, इंसान के पास कुछ करने के लिए अनलिमिटेड पावर होता है, हर इंसान के पास अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है, तो आखिर ये किस चीज की बात हो रही है? दरअसल ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड का यहाँ पे बातें हो रही है, क्योंकि ये जो लाइफ में कुछ बड़ा करने का जो आपके अंदर जो असीमित शक्ति है, आपको आपके अंदर जो कुछ बड़ा करने का जो शक्ति है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, यहाँ पे जिसके पास 90% पावर है। ये कॉन्शियस माइंड के पास तो केवल 10% पावर है, और वो भी आप मतलब ये पावर तो शायद मतलब मैक्सिमम लोगों के पास होता है, लेकिन ये जो 90% वाला जो पार्ट का जो पावर है ना, ये सभी लोगों के पास नहीं होता। जो लोग ये पावर के बारे में जानते हैं वो लोग इस पावर को डेवलप करते हैं, जो नहीं जानते हो सकते हैं वो अनजाने में इसको यूज कर रहे हो। लेकिन अगर आपने इसको जान लिया, अगर आप इसको नोइंगली यूज करने लग गए, तो आपके लाइफ में बदलाव आ जाएगा, आपके लाइफ में क्रांति आ जाएगा, ठीक है। तो जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है ना, आप इसको इस तरह ले सकते हो।
कि जो आइसबर्ग होता है ना, आपको समुद्र से ऊपर जो आइसबर्ग है वो आपको छोटा छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन वो आइसबर्ग के नीचे पूरा का पूरा, मतलब जो जो उसका ऊपर का भाग है ना, इससे कई गुना ज्यादा जो इसका भाग है वो समुद्र के नीचे होता है। मतलब जो आपको बाहर से दिखाई देता है वो सिर्फ इतना ही दिखाई देता है, लेकिन अंदर से ये काफी बड़ा है, काफी बड़ा है। तो वैसे ही हमारा सब माइंड है, जो आपको ऊपर से दिखाई देता है वो सिर्फ आपका कॉन्शियस माइंड है, ठीक है, ये सारा का सारा दुनिया जानता है ये सब कॉन्शियस माइंड के बारे में, लेकिन इससे भी ज्यादा पावरफुल जो माइंड का एस्पेक्ट है वो उसके तो नीचे है, जो कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो कि काफी सारे लोगों को दिखाई नहीं देता। वो सिर्फ इतना ही मानते हैं कि ये यही मेरा माइंड है, यही 10% जो मेरा माइंड है, और मैं लाइफ में इतना ही कर पाऊंगा, मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, इतना ही कहते हैं, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ इसके बारे में पता नहीं, क्योंकि इसके बारे में दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर जो है काफी जो एक पावरफुल चीज है ये तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, इसकी जो पावर है इसको हार्नेस करेंगे और खुद के ऊपर अप्लाई करके एक बड़ा सा इंसान बनेंगे और एक अच्छा ट्रेडर भी बनेंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट को याद करेंगे कि हमारा माइंड जो होता है वो कैसे प्रोग्राम होता है, लेकिन उससे पहले जो आप लोगों को मैंने बताया है कि जो ये जो सर्कल सर्कुलर पार्ट है, आप इसको अगर माइंड कंसीडर करोगे तो इससे ऊपर का जो पार्ट है वो हमारा कॉन्शियस माइंड है कि जिसके पास 10% पावर है, और नीचे का पार्ट जो है वो सबकॉन्शियस माइंड है कि जिसके पास 90% पावर है। तो अभी आप लोगों को ये समझना होगा कि जो कॉन्शियस माइंड के पास क्या क्या पावर्स होता है और सबकॉन्शियस माइंड के पास क्या क्या पावर्स होता है। देखो, आप जो सोचते हो या फिर जो आप एनालिसिस करते हो, मतलब ट्रेडिंग में जो आप सोचते हो या फिर ट्रेडिंग में जो आप एनालाइज करते हो या फिर लाइफ में भी, और जो आपका और भी एस्पेक्ट्स है कि जहाँ आपको एनालाइज करना होता है, आपको कुछ प्रॉब्लम्स को लॉजिकली सॉल्व करना होता है, ये सारा का सारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है या ये फिर जो एनालिसिस करना, ये कॉन्शियस माइंड करता है। जो आप सोचते हो वो कॉन्शियस माइंड के थ्रू सोचते हो, और जो आप डिसीजन लेते हो वो कॉन्शियस माइंड के थ्रू लेते हो, और जो आप एक्शन लेते हो वो आप कॉन्शियस माइंड के थ्रू लेते हो। मतलब कि ये जो एक्टिविटीज होता है वो सारा का सारा कॉन्शियस माइंड के थ्रू होता है, ठीक है। लेकिन जो आपको अंदर से कुछ आता है ना कि हाँ मुझे लाइफ में ऐसा करना पड़ेगा, या फिर आपके अंदर जो एक अनंत शक्ति होता है, जैसे कि आप मान लो कि आप आपको आपको रनिंग करना पड़े, ठीक है, आप शायद उतना तेज नहीं दौड़ पाओगे, लेकिन अगर आपको मान लो कि वहीं पे एक कुत्ता आपको आपको बाइट करने के लिए आ रहा है, तो आप कितना तेज दौड़ोगे। तो ये शक्ति कहाँ से आ रहा है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा है, क्योंकि इसके पास अनलिमिटेड पावर है, ठीक है। और जो आपको लाइफ में सक्सेस होना होता है वो सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है, और जो आप अपना जो आपका जो इमोशन होता है, जैसे कि आपका डरना, लाइफ में खुश होना, या फिर जो आपका अलग अलग इमोशन होता है, ठीक है, वो सबकॉन्शियस माइंड से आता है, ठीक। तो इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिसके पास काफी अनलिमिटेड पावर्स है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, जो मैंने यहाँ पे वॉचमैन का फोटो ड्रॉ किया है ना, ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में यहाँ पे मैंने ये वॉचमैन का फोटो ड्रॉ किया, ये मैंने क्यों ड्रॉ किया है, तो यहाँ आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट जो अभी मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, अगर आपने इसको समझ लिया तो आपका पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वो अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपको कॉन्शियस माइंड के थ्रू, ठीक है, कॉन्शियस माइंड के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड, मतलब जो आपका कॉन्शियस माइंड माइंड के थ्रू आपको सबकॉन्शियस माइंड के गेट में एक वॉचमैन की तरह बैठना पड़ता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा, एग्जांपल के साथ मैं बताऊंगा, लेकिन आपको अभी ये समझना है, आपको एज अ वॉचमैन बैठना है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में जो एक गेट है, ये गेट में आपको एक वॉचमैन की तरह बैठना है। तो आपने इसको माइंड मान लिया, जो जो मैंने यहाँ पे जो जो ये दो लाइन ड्रॉ किया ना, आप इसको गेट मान लेना, ठीक है, ये गेट है, और ये गेट में आपको, यानी कि आपके कॉन्शियस माइंड को यहाँ पे एक वॉचमैन की तरह बैठना पड़ेगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ वॉचमैन की तरह बैठना पड़ेगा, क्योंकि वॉचमैन का काम क्या होता है, वॉचमैन का काम ये होता है कि जो सही लोग है उसी को अंदर आने देना, मतलब जो वहां पे आ सकते हैं, जो एलिजिबल है, वही वही लोगों को अंदर आने देना, ये वॉचमैन का काम होता है, मतलब एज अ सिक्योरिटी गार्ड वो काम करता है। तो आपको एज अ सिक्योरिटी गार्ड बैठना है कॉन्शियस माइंड के सहारे, आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास एक सिक्योरिटी गार्ड की तरफ बैठना, ये एक मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो आप जो भी लाइफ में आप जो भी थिंकिंग आपका रहता है, या फिर आप लाइफ में जो भी कहते हो,
कि हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, या आप जो भी आप मानने की कोशिश करते हो ना, वो अगर यहाँ से पास होके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है तो वही आपके लिए एक रियलिटी हो जाता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आप लोगों को एक स्कूल का एग्जाम्पल बताऊंगा कि मान लो कि एक क्लास है और वहां पे एक मैथमेटिक्स टीचर, एक मैथमेटिक्स टीचर अपने एक स्टूडेंट को बोलते हैं क्लास में कि भाई तू ना मैथ्स में कभी भी सफल नहीं होगा, तू मैथ्स कभी कर ही नहीं पाएगा, तू मैथ्स में फेल होगा, तू आने वाले एग्जाम में तू मैथ्स में तेरा पेपर मतलब फेल जाएगा, तू कभी लाइफ में बड़ा कुछ नहीं कर पाएगा, तू ऐसा है तू ऐसा ही रहेगा। तो ये स्टूडेंट के पास मतलब ये स्टूडेंट के पास अब क्या ऑप्शन है कि ये स्टूडेंट ये मान सकता है कि ये जो सर बोल रहे हैं कि सर ने बोल दिया कि मैं मैथ्स में अच्छा नहीं कर सकता, मैं लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, मेरा लाइफ ऐसा ही रहने वाला है, अगर ये जो सर ने जो बोल लिया है, ठीक है, अगर इसने इसको मान लिया, मतलब मानने का मतलब ये हुआ कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड है इसने ये बातों को अंदर आने दे दिया, मतलब कि जो सबकॉन्शियस माइंड है कि जिसके पास 90% पावर है ये सबकॉन्शियस माइंड में आने दे दिया मतलब इसने ये बात ये जो सर ने बोला इसको मान दिया, तो ये सबकॉन्शियस माइंड अभी क्या करेगा, सबकॉन्शियस माइंड उसको वैसे ही एक्सपीरियंस कराएगा, वैसा ही इसको मतलब सबकॉन्शियस माइंड इसको ये प्रूफ करने में लग जाएगा कि हाँ वो बेवकूफ है और वो कभी मैथ्स में आगे बढ़ ही नहीं सकता, मतलब वो लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो प्लानिंग करता है, वो आपको अपॉर्चुनिटीज देता है, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी तरीके का प्लानिंग करेगा, उसी तरीके का अपॉर्चुनिटी देगा इसको कि जिससे ये साबित हो जाएगा कि ये लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता या फिर मैथ्स में कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड है इसको इसने कंट्रोल नहीं किया और इसने सर ने जो भी बोला इसको अंदर आने दे दिया, मतलब इसको इसने मान लिया और जो मान लिया वही सबकॉन्शियस माइंड आपके लाइफ में हकीकत में बदल के देता है। अब ये केस में ये भी हो सकता था कि सर ने इसको गाली दे दिया कि बोल दिया कि तू लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकता, मैथ्स में तू फेल हो जाएगा, तो ये बच्चा ये भी कर सकता था कि सर ने जो भी बोला है ये गलत बोला है, मैं वैसा नहीं हूँ, सर की जो बात है ये गलत है, मैं सर को मैं रॉन्ग प्रूफ करके ही रहूंगा, अगर इसने बोल दिया तो मतलब क्या हुआ, सर का जो वर्ड्स है इसको इसने अंदर आने नहीं दिया, इसको यहीं पे इसने कंट्रोल करके रख लिया, मतलब कि ये सबकॉन्शियस माइंड पे नहीं आया, लेकिन इंस्टेड इसने बोल दिया कि सर ने जो बोला है वो गलत है, मैं लाइफ में अच्छा करूंगा, मैं मैच में अच्छा करूंगा, मैं सर को गलत प्रूफ करूंगा, तो अगर इसने ये कह दिया इसके बदले, तो अगर ये चीज मतलब कह दिया मतलब इसने मान लिया, मतलब मान लिया का मतलब ये हुआ कि ये इसके सबकॉन्शियस माइंड में आ गया, तो अब ये सबकॉन्शियस माइंड उसको इसी तरीके का प्लानिंग करेगा, इसको वैसा ही अपॉर्चुनिटीज दिखाएगा कि जिससे ये प्रूव होगा कि वो लाइफ में क्यों अच्छा कर पाएगा, मतलब कि ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना ये सबकॉन्शियस माइंड को सही क्या है और गलत क्या है वो पता नहीं होता, वो जो भी इसके अंदर आ जाता है ये गेट के थ्रू इसको ये हकीकत में बदल देता है। तो आपको मैं एक चीज बोलता हूँ, अगर आप लाइफ में मानते हो कि मैं लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं हमेशा ऐसा ही रहने वाला हूँ, मेरा हालत कभी सुधर नहीं जाएगा, अगर आप ये कहते हो मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि ये वॉचमैन के थ्रू ये सारी की सारी बात ये अंदर आ रहा है, आप मान रहे हो मतलब ये सबकॉन्शियस माइंड में आ रहा है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आपको फेल होने का प्लानिंग देगा, आपको आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है आपको ये प्रूव करने में लग जाएगा कि हाँ तू लाइफ में फेल होकर ही रहेगा। तो ये एक पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग है, लेकिन अगर आप ये कहते हो कि हाँ मैं लाइफ में कुछ बड़ा करूंगा, मैं लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा, मैं हर दिन कुछ ना कुछ सीखूंगा, मैं खुद को मैं कॉन्फिडेंट रखूंगा, अगर आप ये कहते हो मतलब तो इसका मतलब ये हो कि आप ये जो बातें आप इसको मान रहे हो, मतलब ये वॉचमैन के थ्रू अंदर आ रहा है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वो बातें प्रूव करने में लगेगा, आपको वही अपॉर्चुनिटीज देगा, आपको उसी तरीके का प्लानिंग करके देगा कि जिससे आप वो रास्ते पे आगे बढ़ सको। तो सबकॉन्शियस माइंड सही क्या है और गलत क्या है वो नहीं जानता, आप जो कहते हो ये वही वही बातों को हकीकत में बदल के देता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आपका हैबिट होता है ना कि वो जो आपका हैबिट होता है वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है और इसके पास तो 90% पावर है। ठीक है, अब जो आपका कॉन्शियस माइंड है इसको पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, कॉन्शियस माइंड को पता होता है लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं होता। आपको पता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए,
ठीक है, लेकिन आप क्या है, आप वो अंदर से मान ही नहीं रहे, मतलब ये सबकॉन्शियस माइंड मान ही नहीं रहा, तो इसीलिए आप जल्दी नहीं उठ पाते हो। लेकिन आपका जो कॉन्शियस माइंड है उसको पता होता है, क्योंकि ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये आप ये चल ये इसको थोड़ा सा टाइम लगता है बदलने में, इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, और इसको अंदर से बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहना पड़ता है कि हाँ तू बदल जा, तू बदल जा, तू अब मतलब मेरे लिए कुछ अच्छा कर, आपको ऐसे कहना पड़ता है, तभी ये सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए कुछ अच्छा करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी लोग स्मोकिंग करते हैं या फिर शराब पीते हैं, उन लोगों को भी पता है, उन लोगों का सबकॉन्शियस माइंड को भी पता है कि ये नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि ये इनका हैबिट बन चुका है ना, और ये जो हैबिट होता है वो सबकॉन्शियस माइंड का पावर है, जिसके पास 90% पावर है, और इसीलिए ये हैबिट आसानी से नहीं छूटता। लेकिन अभी अगर वो अगर ये मानते हैं कि हाँ देखो, जो भी लोग शराब पीते हैं या फिर जो स्मोकिंग करते हैं ना, ये लोग कहीं ना कहीं अंदर से मानते हैं कि हमें कभी इसको छोड़ नहीं सकता, अब इसका मेरा आदत लग चुका है, मैं इसको कभी छोड़ ही नहीं सकता, तो ये सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, इसको नहीं छोड़ने नहीं देगा, क्योंकि आप सबकॉन्शियस माइंड को ये बोल नहीं रहे हो ना कि मैं छोड़ूंगा, आप ये बोल रहे हो कि हाँ मैं छोड़ नहीं सकता, आप इसको मान रहे हो, तो इसीलिए ये हो रहा है कि आप चाह करके भी इसको छोड़ नहीं पा रहे हो, तो इसीलिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करो। ये जो आप अंदर दे रहे हो, आप जो भी आपने आप खुद के लिए बोल रहे हो, वो काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो आप अकेले में खुद बैठकर अगर आप खुद के लिए कुछ गलत बोल रहे हो, तो हो सकता है कि आपके अंदर वही धीरे धीरे करके वही प्रोग्रामिंग हो और आपको लाइफ में वही हकीकत में मिले। तो इसलिए खुद हर टाइम खुद के लिए अच्छा बोलना, खुद के लिए मोटिवेटिंग मोटिवेटिंग बातें बोलनी है, खुद के लिए अच्छा बोलना है, तभी आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो पाएगा। अगर आप ये कहते हो कि मैं ट्रेडिंग में कभी आगे नहीं बढ़ूंगा, मेरा स्ट्रेटजी कभी काम नहीं करेगा, मैं तो हमेशा लॉस ही करने वाला हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वही करके देगा, आपके लिए वही प्लानिंग करके देगा, आपको वही अपॉर्चुनिटीज दिखाएगा कि जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि आप ट्रेडिंग में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसीलिए इसको अच्छा बोलना, अच्छा कहना, अच्छा इंस्ट्रक्शन देना इम्पोर्टेंट है। आपको खुद के लिए इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए। हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि आपको खुद के लिए अच्छा बोलना है, वो क्यों बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग हो रखा है ना, आप इसको बदल सकते हो। ये जो सबकॉन्शियस माइंड में जो भी आपके अंदर यहाँ पे छप चुका है, आप इसको बदल सकते हो। तो इसके लिए आपको ये गेट से आपको कुछ आपके लिए आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। मान लो कि आपके दिमाग में ये बैठा है कि मैं लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, और आप ये पूरा आप सालों से आप ये जो बात है इसको मान के आ रहे हो, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि मैं लाइफ में सक्सेस बन पाऊंगा, मैं लाइफ में कुछ कर पाऊंगा, मेरे अंदर वो एबिलिटीज है, उसको मैं निकाल के ही रहूंगा। अगर आप ये बोलोगे ना, तो पहले दिन तो क्या होगा, आपको ये लगने लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पास वही प्रोग्रामिंग है ना, तो यही बोलेगा कि हाँ तू झूठ बोल रहा है। लेकिन आप आज बोलो, कल बोलो, आप इसको फॉलो करो, 3, 4, 5, 10, 15 दिन के लिए अगर आप फॉलो करो, तो एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि इसको हार मानना पड़ेगा और इसको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि हाँ मैं अच्छा हूँ, मेरे अंदर एबिलिटीज है। देखो, क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग है ना, वो एक ही दिन में नहीं चेंज होगा, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जब तक वो टाइम लगेगा तब तक आपको बोलना है, आपको इंस्ट्रक्शन देना है, आपको खुद को अगर बदलना है तो उसके आधार पे आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, उसके आधार पे आपको बोलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, अच्छी अच्छी बातें, तो ये आपको करना पड़ेगा। तो अभी हम सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स को और डिटेल में जानेंगे। देखो, अगर आपको अंदर से ये आना है ना कि हाँ मुझे अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको पता होनी चाहिए कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या पावर्स है। तो सबसे पहला जो इसका इम्पोर्टेंट पावर है वो टेलीपैथी। टेलीपैथी का मतलब होता है माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा हो रहा होता है ना कि जैसे आप यहाँ बैठ रहे हो और आपको किसी का याद आ जाता है और उसी टाइम उसका फोन कॉल भी आ जाता है, तो ये क्या है, ये माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन है। तो पहले टाइम में क्या होता था, जो ऋषि लोग होते हैं, जो हमारे संत महात्मा लोग होते थे पुराने जमाने में, वो एक दूसरे से बात करते थे, वो माइंड टू माइंड बात करते थे। अब मान लो कि एक जो ऋषि है वो एक जंगल में है और दूसरा ऋषि दूसरे जंगल में है, तो ये दोनों ऋषि एक दूसरे के साथ मन ही मन बात करते थे, ये कुछ कहते थे और ये कुछ रिप्लाई देते थे इधर से। तो ऐसा क्यों होता था, क्योंकि ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, उन लोगों का जो सबकॉन्शियस माइंड था वो हाईली एक्टिव था,
हालांकि आज के जमाने में हमारे लोगों के पास सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी पावर थोड़ा सा डोरमेंट होता है, लेकिन उस टाइम में लोगों के पास होता था, तो इसीलिए ये माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन कर पाते थे। अब क्या होता है कि जिन लोगों के पास इमोशनल बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग होता है ना, उन लोगों के पास ये टेलीपैथी होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल माँ बाप और अपना बेटा बेटी, जो बेटा लोग होता है, बेटा बेटी होता है, उन लोगों बच्चों के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल जो कपल्स लवर्स होते हैं ना, उन लोगों के बीच में होता रहता है कि वो याद कर रहे होते हैं और उनका कॉल आ जाता है, या फिर वो कुछ सोच रहे होते हैं और सामने वाला बंदा भी वही सोच रहा होता है, कुछ कहने वाला होता है और सामने वाला बंदा भी वही कहने वाला होता है। तो ये माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन होता है, और ये भी जो करता है वो सबकॉन्शियस माइंड करता है। और दूसरा है जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, इसके पास अनलिमिटेड मेमोरी पावर है। जो आपका जो मोबाइल में जो मेमोरी पावर है उससे 1000 गुना ज्यादा मेमोरी पावर तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन को याद कर सकता है। अब क्या होता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारा माइंड, ठीक है, और ये कॉन्शियस माइंड है, और यहाँ पे नीचे जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो मेमोरी पावर जो होता है वो सबकॉन्शियस माइंड के मतलब यहाँ पे होता है मेमोरी पावर, लेकिन ये जो मेमोरी का जो इंफॉर्मेशन होता है ना वो पिक करने का काम होता है कॉन्शियस माइंड कि, क्योंकि यहाँ पे काफी सारा इंफॉर्मेशन भरा पड़ा है, पूरा अनलिमिटेड मेमोरी हमारे अंदर है, और ये जो इन्फॉर्मेशन को अगर पिक करने की बारी आती है तो ये सबकॉन्शियस माइंड मतलब के जो कॉन्शियस माइंड है ये पिक करता है। अब क्या होता है ना, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, आप एग्जाम के लिए पढ़ते हो, आप पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन को याद करते हो और वो स्टोर होता है आपके ये सबकॉन्शियस माइंड में, लेकिन जब आप एग्जाम करने के लिए एग्जाम हॉल में जाते हो तब आपको कुछ याद ही नहीं रहता, आपको ऐसा महसूस होता है कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है ना कि ये जो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में जो गेट होता है ना, गेट में जो वॉचमैन होता है वो वॉचमैन नर्वस होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये जो वॉचमैन है अगर वो नर्वस है तो वो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, कोऑपरेट नहीं कर पाएगा। तो मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप टेंशन में हो और अगर आप स्ट्रेस में हो तो आप सही तरीके से इंफॉर्मेशन पिक नहीं कर पाओगे सबकॉन्शियस माइंड से। तो उस वजह से क्या होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो इसीलिए अगर आप एग्जाम के टाइम में टेंशन में रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो, तो आपने जो याद किया है वो आपके दिमाग में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको ये पता नहीं, जब भी लोग बूढ़ा मतलब थोड़ा लोगों को मतलब थोड़ा एज ज्यादा होता है तो वो लोग बोलते हैं कि मैं आसानी से भूल जाता हूँ कि मैंने ये जो चाबी कहाँ रख लिया, मैंने ये छोटा सा सामान कहाँ रख लिया, मैं भूल जाता हूँ। लोग ऐसा कहते हैं ना, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड के पास तो है इंफॉर्मेशन, लेकिन ये कॉन्शियस माइंड यहाँ से पिक नहीं कर पा रहा है क्योंकि लोगों के पास टेंशन है, लोग स्ट्रेस में है। तो अगर आप ज्यादा टेंशन और स्ट्रेस में रहते हो तो आपका मेमोरी पावर थोड़ा कमजोर हो जाता है, और आज के जमाने में ये सारी की सारी चीजें यंगस्टर्स के साथ भी होता है क्योंकि वो लोग भी टेंशन में है, स्ट्रेस में, तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड सही तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए आपको लाइफ में टेंशन फ्री रहना, टेंशन फ्री लाइफ को जीना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपने मेमोरी अगर आप स्टूडेंट हो और मेमोरी पावर को बढ़ाना चाहते हो तब तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। जो हमारे पास अनलिमिटेड मेमोरी पावर है वो सबकॉन्शियस माइंड के पास है, और पुराने जमाने में कई सारे लोग पूरे का पूरा किताब याद रख सकते थे, पूरा का पूरा इंसाइक्लोपीडिया वो लोग याद कर सकते थे, पेज नंबर के साथ याद कर सकते थे, और उन लोगों को हम बोले फोटोग्राफिक मेमोरी होता था उन लोगों के पास। तो ये सारा का सारा मेमोरी का पावर जो है वो सबकॉन्शियस माइंड के पास होता है। अब सबकॉन्शियस माइंड के पास एक और पावर है, वो इमोशनल कोशेंट। देखो आपके पास जो इमोशन होता है कि आप हंसते हो, आप लाइफ में रोते हो, आपको दर्द होता है, आप खुशी महसूस करते हो, आपको लोभ आता है, आपको लालच आता है, ये सारा का सारा पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन का पावर भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, और ये इमोशनल कंट्रोल मतलब इमोशनल क्वेश्चन को इंक्रीज करना काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर ट्रेडिंग में। देखो लाइफ में अगर आपको सक्सेस होना है तो IQ होता है एक, ठीक है, और दूसरा होता है EQ। IQ का मतलब होता है इमोशनल क्वोशेंट, और IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वोशेंट, और EQ का मतलब होता है इमोशनल क्वोशेंट। ये जो IQ का पावर है ये कॉन्शियस माइंड का पावर है, लेकिन जो इमोशनल क्वोशेंट ये EQ है, ये सबकॉन्शियस माइंड का पावर है। और आपको अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है या फिर ट्रेडिंग में अच्छा करना है देन आपका IQ से ज्यादा EQ इम्पोर्टेंट है। और जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग ये दुनिया में आ चुके हैं, जैसे मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी, या फिर जो बड़े बड़े महात्मा गांधी, बड़े बड़े लोग,
उन लोगों का ईक्यू अच्छा था आईक्यू से। तो ईक्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपका जो गाड़ी है वहां किसी ने दाग लगा दिया, या फिर किसी ने मतलब थोड़ा सा टक्कर देके वहां पे कुछ स्क्रैच वगैरह आ गया। अगर वो स्क्रैच का असर गाड़ी तक है तो ठीक है, लेकिन अगर वो स्क्रैच की वजह से अगर आपका माइंड स्क्रैच हो गया, मतलब आपको अंदर से दर्द होने लगा, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपका इमोशनल पोर्शन अच्छा नहीं है। आपको अपने इमोशन के ऊपर काबू रखना चाहिए, अपने अपने इमोशन को कंट्रोल करना है। और एक चीज बता दो, आप किसी को कुछ मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते, लेकिन अगर आपके अंदर गुस्सा आ गया तो गुस्से में इंसान मार भी सकता है दूसरों को। तो इसीलिए ये इमोशन में पावर होता है। इमोशन आपको मोटिवेशन देता है, आपको कुछ करने के लिए आपको उत्सुकता है, ठीक है? तो इसलिए इमोशन में शक्ति है, पावर है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप लाइफ में डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन कोई आके आपका बेइज्जत करता है, आपको गिराने की कोशिश करता है, आपका औकात नीचे गिराने की कोशिश करता है। तो अगर आप इसको ना एक ये मतलब ये मेरे लिए ऐसा कर रहा है, मैं इसको गलत प्रूफ करके रहूंगा, अगर आप यहाँ उसके लिए एक बदलाव का मतलब जो एक सक्सेस डे के में बदलाव का अगर आप भावना रखते हो ना, तो ये आपका इमोशनल पावर है। तो आपको वो इमोशन से पावर आ रहा है। तो ये कहाँ से हो रहा है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड से हो रहा है। और सबकॉन्शियस माइंड का एक और पावर है, वो ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज। देखो पुराने जमाने में हमारे लोगों के पास रिसर्च करने के लिए कुछ लैबोरेटरी नहीं था, कुछ रिसोर्सेस नहीं था, फिर भी उन लोगों के पास दुनिया भर का पूरा का पूरा नॉलेज था। और फॉर एग्जाम्पल जो हमारे हिंदू हिंदू रिलीजन में जो लोग होते हैं ना, वो दूसरे प्लैनेट्स को देखते थे, उसको ऑब्जर्व करते थे, उसके आधार पे कुछ मतलब लोगों का कुंडली निकालते थे, या फिर कुछ मतलब जो ग्रहों के बारे में वो लोग पढ़ते थे। उन लोगों के पास तो वो वहां पे जाने के लिए कोई सैटेलाइट नहीं था, उन लोगों के पास ये सब कुछ स्टडी करने के लिए टेलीस्कोप नहीं था, लेबोरेटरी नहीं था, फिर भी उन लोगों के पास ये नॉलेज कहाँ से आया? क्योंकि ये दुनिया भर का नॉलेज हमारे माइंड में, बस हमने इसको हार्नेस नहीं किया है, लेकिन हमारे अंदर पूरा का पूरा इंसाइक्लोपीडिया भर भर के पड़ा है। हाँ, हमें उसके बारे में उतना रियलाइजेशन नहीं है, लेकिन वो पावर हमारे पास है। तो वो पावर कहाँ पे है? वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे, जिसके पास अनलिमिटेड नॉलेज है। आपको भी कई 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 बार ऐसा लगता होगा ना कि आप कुछ ज्ञान देते हो, आप कुछ मतलब एनालाइज करते हो कि हाँ यहाँ पे ऐसा हो सकता है, शायद यहाँ पे ये हो सकता है, आप ये कहते हो, और कहीं ना कहीं जाके वही बातें सही हो रही होती है। क्यों? क्योंकि वो नॉलेज आपके अंदर भी है, ठीक है? आप कभी कभार वो नॉलेज को अपने आप निकालते हो, आप उसको एक्सपीरियंस करते हो लाइफ में, और ये पावर है आपके सबकॉन्शियस माइंड का। और एक और पावर है, वो क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको कई बार आपको ये लाइफ में ये होता है ना कि आप लाइफ में कुछ चाहते हो कि हाँ मैं लाइफ में ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, आप अंदर से चाहते हो, और आपको एक दो दिन में फिर वही चीज पाने के लिए आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज दिखाई देता है, अपॉर्चुनिटीज मिलता है, कोई आके आपको मैं हेल्प करूंगा बोलता है, या फिर कोई आपको कहीं जाने को बोलता है और वहां पे कुछ हो रहा होता है ना? तो ये सब कुछ होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि देखो अगर आप अंदर से चाहते हो ना कि मैं लाइफ में ऐसा करूंगा और मैं पाकर ही रहूंगा, मैं लाइफ में कुछ ना कुछ करके ही रहूंगा, अगर आप ये अंदर से मानते हो, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो आपको वो अपॉर्चुनिटी से जुड़ाएगा, आपको अंदर से कहीं जाने के लिए मोटिवेट करेगा। ऐसा होता है ना कि कई बार आपको अंदर से आता है कि हाँ मैं वहां चला जाता हूँ, और वहां जाने के बाद आपको कुछ बड़ा अपॉर्चुनिटीज मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? वो सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन पता है। बस आप अगर ये आपने मान लिया कि मुझे ये करना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उस चीज से आपको लिंक करवाएगा। अब यहाँ पे कंट्रोल ओवर बॉडी, जो हमारा शरीर है उसको भी कंट्रोल करेगा सबकॉन्शियस माइंड। अब जैसे अगर आप ये कहते हो कि मैं बहुत कमजोर हूँ, मेरे पास फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, मैं एक्सरसाइज कर नहीं सकता, तो आपका आपके शरीर में वही होगा, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड मान रहा है। तो इसीलिए हमेशा अपने आप को एक स्ट्रांग इंसान की तरह महसूस करो। आप महसूस करो कि आप फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो, आपके शरीर में वो सब पावर है कि जो आपके लिए जरूरत है, आप ये महसूस करो, और ये पावर अपने आप सबकॉन्शियस माइंड से आएगा। अब कंट्रोल ओवर पेन, जो आपको दर्द होता है वो दर्द भी आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर देता है। फॉर एग्जाम्पल पुराने जमाने में जो सर्जरी होता था वहां पे एनेस्थीसिया दिया नहीं जाता था, क्योंकि उस टाइम पे एनेस्थीसिया नहीं था। उस टाइम पे जो सर्जरी किया जाता था, उन लोगों का जो माइंड है उसको कंट्रोल किया जाता था पेन के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे
कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड है। अब इसका सर्जरी होने वाला है, तो लोग इसको हेप्नोटाइज करते थे, तो हेप्नोटाइज करने से क्या होता कि यहाँ पे जो इसका पेन होता था वो पेन इसका सबकॉन्शियस माइंड पे नहीं जाता था, अगर जाता भी था तो उसको महसूस नहीं होता था, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे वॉचमैन को इसने मतलब हेप्नोटाइज करने का मतलब ये है कि वॉचमैन को इसने सुला दिया। अब वॉचमैन यहाँ पे एक्टिव नहीं है, तो जो कुछ भी आप ये अंदर आ रहा है उसका कोई असर नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसीलिए ये सब कुछ होता था पुराने जमाने में, सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके पेन कंट्रोल करके सर्जरी किया जाता था पुराने जमाने में। अब जो हमारा शरीर का बीमार है उसको भी कंट्रोल करने का सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। और यहाँ पे मेडिकल साइंस में एक चीज कहा जाता है कि हमारा जो बीमार है ना वो साइकोसोमेटिक है। साइकोसोमेटिक मतलब कि 70% बीमारी वो इसीलिए है क्योंकि आपने मान लिया कि मैं मतलब बीमार है, और 30% बीमार आपका हो सकता है कि कोई हार्मोन की वजह से या फिर शरीर में कुछ केमिकल चेंजेस होने की वजह से हो सकता है, लेकिन 70% ऑफ द बीमार जो आपके पास है वो साइकोसोमेटिक है। और फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है वो मतलब मैंने एक एग्जाम्पल देखा था, एक वीडियो देखा था कि जब एक इंसान था, ठीक है, वो इंसान वो व्हील चेयर पे चढ़ता था, व्हील चेयर क्योंकि वो खड़े होके चल नहीं सकता था, वो मतलब कुछ एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन जब वो जहां पे रहता था जब वहां पे अर्थक्वेक आया ना तो वो उठ के वहां से दौड़ गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो बीमार कंट्रोल करने का भी क्षमता हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, क्योंकि वो क्योंकि उसके अंदर जो असीमित शक्ति है वो सबकॉन्शियस माइंड से आया, क्योंकि अभी तक वो ये मानते आ रहा था कि मैं चल नहीं पाऊंगा, लेकिन जब वो कंडीशन आया तो उसको मानना पड़ा कि हम यहाँ से चल पाऊंगा, तो वो चल पड़ा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास अनलिमिटेड एनर्जी है, जो अनंत शक्ति कहा जाता है कि तुम्हारे अंदर असीमित शक्ति है, अनंत शक्ति है, इंसान कुछ भी कर सकता है। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास ये पावर्स है और इसीलिए ऐसा कहा जाता है। और जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, हाँ, वो सोल्यूशन शायद आपको बार बार नहीं आता, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड पे वो सोल्यूशन है, क्योंकि आपको कभी ना कभी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको अंदर से आ रहा होगा कि हाँ यहाँ पे तो ऐसा करना पड़ेगा, अगर मैं ऐसा करूँ तो शायद ये ठीक हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हो रहा है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। और एक चीज और है, ये मैग्नेटिक पावर, कि आपको अपने वाले चीजों से अट्रैक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहो ना कि मुझे लाइफ में ये हासिल करना है, मुझे लाइफ में ये हासिल करना है, मुझे ये इंसान से मिलना है, मुझको ये डील खत्म करके ही रहना है, तो कहीं ना कहीं वो सारा का सारा आपका जो सबकॉन्शियस माइंड का जो मैग्नेटिक पावर है आपको वही चीजों से जुड़ने में मदद करेगा, कि अगर आपको कहीं से कुछ डील चाहिए तो आपको वही चीज से मतलब लिंक करने के लिए हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि आप कहाँ जाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आप कहाँ जाओगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है। तो अब हमने जान लिया कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास अनंत शक्ति है, ये मतलब मेमोरी का भी बहुत बड़ा पावर है, कुछ करने के लिए बहुत बड़ा पावर है हमारे अंदर। तो अभी हमें यहाँ पे करना होगा माइंड प्रोग्रामिंग, कि अगर हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक अच्छे तरीके से यूज करना है, अगर इसके पावर को हमें बाहर निकलना है, तो हमें अब करना पड़ेगा माइंड प्रोग्रामिंग। सो अभी हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे और वो है माइंड प्रोग्रामिंग कैसे करना। अगर आपने अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करना सीख लिया तो आपका मैक्सिमम खेल वही खत्म हो जाता है। सो आपको पहले सीखना अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करना। अब जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में क्या बोला था कि जो हमारा माइंड है ना वो गीली मिट्टी की तरह है, आप इसको जो भी शेप देना चाहो दे सकते हो, तो वैसे ही हमारा माइंड भी एक गीली मिट्टी की तरह है, आप इसको जैसे प्रोग्रामिंग देना चाहते हो वैसे ही प्रोग्रामिंग दे सकते हो। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को माइंड को कैसे प्रोग्रामिंग करना है, हाउ टू प्रोग्राम और रीप्रोग्राम योर माइंड। आप अपने माइंड को कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हो या कैसे रीप्रोग्राम कर सकते हो, आप अपने माइंड को अपडेट दे सकते हो। जैसे आप अपने मोबाइल में मोबाइल एप्लीकेशन को अपडेट देते हो, तो वैसे ही आपको अपने माइंड को भी अपडेट देनी चाहिए। तो सब कुछ हम लोग सीखेंगे, और ये तरीका अगर आपने सीख लिया और ट्रेडिंग में यूज कर लिया या फिर लाइफ में यूज कर लिया तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले माइंड को प्रोग्रामिंग करने से पहले आपको ये
फोर स्टेट ऑफ माइंड पता होने चाहिए कि जो हमारा माइंड है इसका फोर स्टेट होता है। सबसे पहला होता है बीटा स्टेट, अल्फा स्टेट, थीटा स्टेट एंड देन फाइनली डेल्टा स्टेट। तो ये स्टेट के बारे में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में क्या बोला था कि हमारा माइंड जो है आपको इसको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। मतलब कि जो भी चीज है अगर उसके पास कंट्रोल नहीं है तो वो एक्सीडेंट करेगा। गाड़ी है, अगर आप गाड़ी स्पीड में चला रहे हो वहां पे कोई कंट्रोल नहीं है तो आपको एक टाइम में एक्सीडेंट को झेलना पड़ेगा। वैसे ही हमारा माइंड जो कि अभी दौड़ रहा है, बहुत चल रहा है हमारा माइंड, तो आपको ये चलती माइंड में आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा, आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अभी फोर स्टेट ऑफ माइंड में जो पहला स्टेट है इसको हम बोलते हैं बीटा स्टेट। बीटा स्टेट वो स्टेट है कि जहाँ पे माइंड सबसे ज्यादा दौड़ता है, मतलब कि यहाँ आप देखो 14 to 35 cycle per second, तो ये हाई एकदम माइंड का एकदम हाईएस्ट स्पीड है। और ये हम कॉन्शियस स्टेट में रहते हैं, मतलब कि जब आप जागृत अवस्था में होते हो तब आपको बीटा स्टेट कहा जाता है। और जो भी लोग काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स में होते हैं या फिर टेंशन लेते हैं या स्ट्रेस आउट होते हैं ना, उन लोगों का बीटा स्टेट काफी ज्यादा होता है, क्योंकि वो उन लोगों के माइंड में काफी ये साइकल्स पर सेकंड चलता रहता है, तो उस वजह से काफी उन लोगों के दिमाग में इधर उधर की बातें आता रहता है और वो अपने थॉट्स को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। और थॉट्स को कंट्रोल करना पाना करना अगर आपको नहीं आता तो आप बड़े प्रॉब्लम में जा सकते हो। सो बीटा स्टेट इज अ कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। अब ठीक ठाक बीटा स्टेट तो चलेगा, ये होना भी चाहिए, लेकिन कई सारे लोग एक्सट्रीम बीटा स्टेट पे चले जाते हैं। अब दूसरा होता है अल्फा स्टेट। अब अल्फा स्टेट को सबकॉन्शियस स्टेट कहा जाता है। तो इसमें जो ब्रेन का जो वेव्स होता है ना वो 7 to 14 cycle per second के बीच में रहता है। अब जो तीसरा होता है वो है थीटा स्टेट। थीटा स्टेट मतलब जब आप रात को सोने जाते हो या फिर थोड़ा सा आप नींद में होते हो तब ये थीटा स्टेट होता है। तो थीटा स्टेट में क्या होता है, ये 4 to 7 cycle per second में चलता है इसका वेव। अब जो डेल्टा स्टेट होता है वो अनकॉन्शियस स्टेट या फिर जो कोमा में रहते हैं उन लोगों को भी कहा जाता है। तो ये 1 to 4 cycle per second के आसपास इसका वेव रहता है, ठीक है। अब माइंड प्रोग्रामिंग में यहाँ अल्फा स्टेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्फा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ ऑल। तो अगर आपको अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करना है देन यहाँ पे जो अल्फा स्टेट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को यहाँ पे उजागर कर रहे हैं, इसकी पावर को हम हार्नेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये केस में आपका जो सबकॉन्शियस स्टेट काम आएगा। तो सबकॉन्शियस वाला स्टेट कौन सा है, वो है अल्फा स्टेट। तो आपको अल्फा स्टेट को यहाँ पे मास्टर करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो अल्फा स्टेट है इसको यूज करके आप कैसे अपने माइंड को प्रोग्रामिंग कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए आप ये समझो कि हाँ अल्फा स्टेट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट। और अगर आपको अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करना है या फिर रिप्रोग्रामिंग करना है तो आपको अल्फा स्टेट ऑफ माइंड को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है माइंड का जो वर्किंग लेवल होता है। अब जैसे यहाँ आप देखो ये जो आपका माइंड का वर्किंग लेवल है यहाँ पे 3 working level होता है। ये जो वर्किंग लेवल है इसको बीटा लेवल बोलते हैं और इसको थीटा लेवल कहते हैं और इसको अल्फा लेवल बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम पहले यहाँ पे ये जो बीटा लेवल की बात करेंगे। जब आप लोग जागृत अवस्था में होते हैं, मतलब कि आप कुछ काम कर रहे हो या फिर मतलब आप कॉन्शियस हो, ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होता है आपका कॉन्शियस माइंड काफी एक्टिव होता है। आप देखो ये कॉन्शियस माइंड काफी एक्टिव होता है और सबकॉन्शियस माइंड अंदर से साइलेंटली काम करता रहता है। तो ये केस में क्या है आपका सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा सा डोरमेंट रहता है, मतलब कि वो काम तो कर रहा होता है लेकिन वो साइलेंटली काम कर रहा होता है। तो ये होता है आपका बीटा स्टेट, यानी कि आप जब जागृत अवस्था में हो, मतलब आप सोए नहीं हो, आप जागृत अवस्था में हो, तो उस टाइम पे बीटा स्टेट होता है। तो बीटा स्टेट में क्या होता है, जो भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलोगे, क्योंकि आपको अगर अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करना है तो सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, तो आप कुछ भी बोलोगे तो सबकॉन्शियस माइंड उसको पूरी तरीके से नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये साइलेंटली काम कर रहा है, ये थोड़ा सा डोरमेंट है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे आपका कॉन्शियस माइंड हाईली एक्टिव है तो सबकॉन्शियस माइंड उतना एक्टिव नहीं है। तो जो भी आप कॉन्शियस माइंड के थ्रू, मतलब वो वॉचमैन के थ्रू आप बोलोगे तो ये उतना पकड़ नहीं पाएगा, उस चीज को ले नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये हुआ इसका बीटा स्टेट। अब यहाँ पे जो इसका थीटा स्टेट है,
थीटा स्टेट में क्या होता है कि जब आप रात को सोते हो ना, रात को सोते हो आप नींद में होते हो, तो उस टाइम पे आपका कॉन्शियस माइंड तो डोरमेंट रहता है, ये उतना मतलब वो काम नहीं कर रहा होता है, लेकिन उस टाइम पे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। तो ये कंडीशन में आप जो भी बोलोगे कॉन्शियस माइंड के थ्रू या फिर आपको कुछ भी कहा जाता है तो वो आपके अंदर नहीं चला जाएगा, क्योंकि वो वॉचमैन वहां पे सोया हुआ है, तो वॉचमैन सोया हुआ है तो वहां से गेट लगी हुई है, तो अंदर कोई भी चीजें अंदर नहीं जाएगी। तो यहाँ पे आप कुछ भी बोलोगे तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को सुनाई नहीं देता है, ठीक है। तो अगर आपको अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करना हुआ तो आप ये बीटा स्टेट में नहीं कर पाओगे, क्योंकि बीटा स्टेट में क्या होता है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इन्फॉर्मेशन नहीं भेज पाओगे, क्योंकि यह उतना एक्टिव नहीं होता। जब आप सोते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये तो एक्टिव होता है, लेकिन जो कॉन्शियस माइंड होता है वो यहाँ काम नहीं कर रहा होता है, तो उस टाइम पे आप कुछ भी बोलोगे, क्योंकि पहले तो कॉन्शियस माइंड पे आएगा तभी वो सबकॉन्शियस माइंड पे जाएगा ना, तो कॉन्शियस माइंड ही यहाँ पे डोरमेंट है, ये एक्टिव नहीं है, तो आप सबकॉन्शियस माइंड पे कैसे इंस्ट्रक्शन को भेजोगे। लेकिन 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 ये दोनों स्टेट के बीच में एक ऐसा स्टेट है जिसको हम कहते हैं ये वाला अल्फा स्टेट। तो ये अल्फा स्टेट पे क्या होता है कि आप आराम से अपने माइंड को प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो अब अल्फा स्टेट क्या होता है, जैसे जब आप रात को सोने के लिए जाते हो तो सोने से पहले 2-3 मिनट का एक ऐसा टाइम होता है ना कि जिस टाइम पे आप कंप्लीटली सोए नहीं हो और कंप्लीटली आप जागे भी नहीं हो, तो वो समवेयर बिटवीन स्लीप एंड द कॉन्शियस स्टेट एक ऐसा फेज होता है कि जहाँ पे आप पार्शियली आपको लगता है कि मैं सो रहा हूँ, ऐसा भी लगता है कि आप थोड़ा सा कॉन्शियस भी हो, है ना, तो ऐसा वाला स्टेट होता है। और जब आप मॉर्निंग को जागते हो ना, जागने के बाद आपको थोड़ा सा 30 सेकेंड टू 1 मिनट का एक ऐसा फेज होता है जब आपको लगता है कि आप कंप्लीटली नींद से उठे भी नहीं हो और कंप्लीटली आप जागे भी नहीं हो, तो एक समवेयर इन बिटवीन वाला एक फेज होता है। तो ये फेज में क्या होता है ना कि आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड ये दोनों माइंड एक्टिव रहता है। तो ये स्टेट में आप जो कुछ भी बोलो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे सकते हो, मतलब कि सबकॉन्शियस माइंड में आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, यानी कि ये स्टेट में आप, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड भी ठीक ठाक एक्टिव रहता है और सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिव है, तो ये केस में आप आराम से प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो अगर आपको अपने माइंड को यानी कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करना है तो आपको अल्फा स्टेट में जाना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा स्टेट ही एक ऐसा स्टेट है कि जहां आपका दोनों माइंड, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, दोनों माइंड एक्टिव होता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो जब आप ये सीख जाएंगे कि आपको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को दोनों को एक साथ कैसे एक्टिव रखना है, तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग कर पाओगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं प्रोसेस टू प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रोग्राम कर सकते हो, जैसे देखो जो आप रात को सोने से पहले या फिर जो मॉर्निंग को जागने के बाद आपका जो अल्फा स्टेट रहता है ना, वो छोटा सा टाइम के लिए रहता है, वो हार्डली 30 सेकेंड टू 1 मिनट के लिए रहता है, और वो केस में आप उतना इसको प्रोग्रामिंग नहीं कर पाओगे क्योंकि वहां पे छोटा सा ड्यूरेशन रहता है। और अब अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नोइंगली अल्फा स्टेट में जाना पड़ेगा, यानी कि एक ऐसा स्टेट में जाना पड़ेगा जहां पे आप कंप्लीटली कॉन्शियस भी नहीं हो और कंप्लीटली सबकॉन्शियस भी नहीं हो, तो आपको ऐसा स्टेट में जाना पड़ेगा। तो वो स्टेट में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, ध्यान में बैठना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ध्यान में बैठते हो, आप मेडिटेशन में बैठते हो, तो आपका आपका जो माइंड है वो अल्फा स्टेट पे चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका कॉन्शियस माइंड भी कम्प्लीटली जागे मतलब डोरमेंट नहीं है और सबकॉन्शियस माइंड भी कम्प्लीटली डोरमेंट नहीं है। तो ये केस में दोनों आपस में आप जो कुछ भी बोलोगे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, आप अगर खुद को कंट्रोल करना चाहते हो, या फिर अगर आप ट्रेडिंग में एक बड़ा कुछ हासिल करना चाहते हो, या फिर ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आज ही से मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। ये 2024 अभी शुरू हो चुका है, तो आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। मैंने अपने मेडिटेशन का जो जर्नी है वो 2015 से शुरू किया, जब मुझे ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था तब से मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, और जब मैंने ट्रेडिंग को सीखा तब मुझे ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड करने में बहुत आसान हुआ, क्योंकि मुझे ऑलरेडी ये मेडिटेशन और माइंड का जो टोटल गेम है मुझे पता था। तो आप इसको जान लो, सीख लो, तो आप आज ही से मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, क्योंकि इससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में आराम से इंस्ट्रक्शन दे पाओगे। और इसके अलावा मेडिटेशन का जो बेनिफिट है वो अनगिनत है,
मैं गिन ही नहीं पाता कि कितना बेनिफिट है मेडिटेशन करने का। तो आज से मेडिटेशन स्टार्ट करो, और जब ये सेशन का प्रैक्टिकल सेशन मैं लेके आऊंगा तब मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको कैसे मेडिटेशन करना है, ठीक है। तो आपको मेडिटेशन करना है अगर आप अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना चाहते हो। तो अब दूसरा स्टेप होता है, वो है अफिर्मेशन। अफिर्मेशन का मतलब होता है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। देखो, दूसरे लोग आपके बारे में क्या कहते हैं वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप खुद के बारे में क्या कहते हो वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम लोग क्या करते, हम खुद अपने आप को क्या बोलते हैं हम इसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, लेकिन जो जो दूसरे लोग हमारे लिए बोलते हैं हम उसको प्रायोरिटी देते हैं। तो आज से आप खुद के लिए क्या कहते हो, खुद के लिए क्या बोलते हो, इसके ऊपर ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके अंदर ये, आप खुद को ये कहते हो कि आप एक छोटा सा इंसान हो, आप कमजोर सा इंसान हो, आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, अगर आप ये कहते हो तो उसका मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे करके सबकॉन्शियस माइंड इन्हीं चीजों को मानेगा, और जब सबकॉन्शियस माइंड इन चीजों को मानेगा तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, वही आपके लाइफ में रियलिटी में कन्वर्ट करके देगा। अगर आप मानते हो कि आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये प्रूव करने में लगेगा कि आपके पास टैलेंट क्यों नहीं है। तो आपके पास टैलेंट टैलेंट नहीं है वही ठीक है, यही करने लगेगा। लेकिन अगर आप अफर्मेशन के थ्रू, अभी तक आप मान लो कि आप बोलते आ रहे हो कि मेरे पास कुछ टैलेंट नहीं है, मैं लाइफ में कुछ ढंग का नहीं कर पाऊंगा, तो आप आज ही से ये बोलना शुरू करो कि हाँ मेरे पास टैलेंट है, आई एम द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन इन दिस वर्ल्ड, मैं लाइफ में कुछ करने की क्षमता रखता हूं। अगर आप ये बोलोगे आज के दिन के बाद, तो हो सकता है कि एक दो दिन शुरुआत में आपका सबकॉन्शियस में बोल, अरे भाई तू क्या बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है। लेकिन आज बोलोगे, कल बोलोगे, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बोलोगे, तो आपको यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि आपके पास टैलेंट है, आप कुछ कर सकते हो, मतलब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा। आपने शायद सुना होगा मुहम्मद अली जो कि एक बॉक्सर था, ठीक है, वो हर दिन 1-1 घंटे क्या कहता था, वो अपने बंद कमरे में खुद को लॉक करके ये कहता था कि आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। भले ही वो ग्रेटेस्ट हो या ना हो, लेकिन वो अपने लिए मानता था कि वो ग्रेटेस्ट है, और उसका सबकॉन्शियस माइंड क्या, माइंड को भी मानना अब मजबूर हो गया है ना कि मैं भी ग्रेटेस्ट हूँ। तो जब वो बाहर खेलने जाता था तो वो हमेशा जीतता था, ठीक है, और एक दो हार भी अगर सामना कर लिया तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि खुद के लिए तो वो, खुद के लिए तो वो ग्रेटेस्ट है ना। सो इसीलिए अपने आप को एक अच्छा ट्रेडर की तरह देखो, अपने आप को एक पावरफुल, एक हाईली सक्सेसफुल ट्रेडर की तरह देखो, अपने आप को एक सक्सेसफुल सक्सेसफुल इंसान की तरह देखो, अपने आप को अच्छा बोलो। लोग यहाँ पे ये गलती करते हैं कि लोग दूसरों को हंसाना चाहते हैं और उसके लिए खुद खुद को बहुत मतलब गाली देते हैं। आपने, आपको ये पता होगा कि स्कूल की जो कैंटीन है वहां पे एक दो बच्चे लड़के क्लास के वहां पे बात करते हैं और कहते हैं कि मैं कितना बेवकूफ हूँ। लोग ये मतलब इस बात पर लोग हंसी मजाक करते हैं कि हाँ मेरा इस सब्जेक्ट में मार्क्स इतना कम आया, तो उसके ऊपर सेलिब्रेशन करने लगते हैं कि हाँ मेरा इतना अच्छा, मतलब इतना खराब आया। तो जब आप ऐसे खुद के लिए खराब चीजें बोलोगे या खराब जोक्स बनाओगे खुद के ऊपर, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड को इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और वही आपके लाइफ में होगा। तो इसीलिए आप अच्छी बात बोलो, आप सुबह उठो और बोलो कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, सुबह उठो और बोलो कि आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, मैं पैसा कमाऊंगा, मैं कुछ ना कुछ लाइफ में करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। आपको ऐसा बोलना है, मुझे ट्रेडिंग आता है, मैं ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कर पाऊंगा, मैं अपने सेटअप के लिए वेट करूंगा, मैं इम्पेशेंट होके अपने सेट अपने स्क्रीन के सामने नहीं बैठूंगा, मैं बहुत पेशेंस रखूंगा, ठीक है। तो आपको ऐसे बोलना, मैं अपने विनिंग ट्रेड्स को होल्ड करूंगा, मैं अपने लॉसेस को काटूंगा, मैं स्टॉप लॉस दूंगा, और अगर मुझे लॉस हो गया तो मुझे मेंटली कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये गेम का एक पार्ट है। तो आपको ये खुद को कहना चाहिए और खुद को आपको इन बातों के लिए मनाना चाहिए, तभी आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी। अब यहाँ पे आता है एक और पावरफुल चीज, और वो है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। देखो, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, अगर मैं आपको बोलूं कि आप हाथी को याद करो, तो आप आपके दिमाग में एक हाथी का फोटो आएगा ना, तो आप तो आप हाथी को तो एक माइंड में एक लेटर लिख के तो याद नहीं करोगे, आप हाथी का इमेज फॉर्म करोगे और आप हाथी को याद करोगे। क्यों? क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये लैंग्वेज का, भाषा को नहीं समझता, ये पिक्चर्स में समझता है।
अगर आपको कुछ कहना हो कल क्या हुआ, तो आप दिमाग में लिख के नहीं सोचते हो, आप दिमाग में उसका पिक्चर बनाते हो और कहते हो कि हाँ कल ऐसा हुआ था। आप उसको रिकैप रिवाइंड करने की कोशिश करते हो, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पिक्चर्स में समझता है। तो इसलिए जो भी आप लाइफ में बनना चाहते हो, या जो भी आप लाइफ में हासिल करना चाहते हो, या फिर जो भी आप ट्रेडिंग में करना चाहते हो, उसके लिए आपको एक विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। अब विजुअलाइजेशन तो हम रैंडमली कर जाते, लेकिन यहाँ पे आपको करना होगा क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप आंखें बंद करो और थोड़ा सा अपने सांसों के ऊपर ध्यान दो, और 5-6 मिनट के लिए आप सांसों के ऊपर ध्यान दो, और थोड़ा सा आप अल्फा स्टेट में जाने की कोशिश करो, ठीक है। अब उसके बाद आप देखो कि आप कितना बड़ा इंसान हो, आप एक अच्छा सक्सेसफुल आदमी की तरह चल रहे हो, आपको काफी सारे डील्स मिल रही है, आप पैसा बना रहे हो, आप अपने कुछ भी अपना मर्जी का कुछ भी चीजें हैं वो खरीद रहे हो, आप अपना एक ड्रीम ट्रेडिंग सेटअप बना रहे हो, वहां पे बैठ के आप ट्रेडिंग कर रहे हो। भले ही वो आपका प्रेजेंट मोमेंट पे वो नहीं है, लेकिन अगर आपने इसका पिक्चर अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे दिया, तो वो सबकॉन्शियस माइंड वो उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए काम करेगा। आपको उसी तरीके का प्लानिंग देगा, आपको उसी तरीके का एनर्जी देगा, आपको उसी तरीके का अपॉर्चुनिटी से मिलाएगा कि जिससे आप वो गोल को आसानी से अचीव कर पाओ। तो इसीलिए क्रिएटिव विजुलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपका बैड हैबिट है, या फिर जो भी आप अपने हैबिट को बदलना चाहते हो, या फिर कुछ भी चेंजेस खुद के लिए लेके आना चाहते हो, तो उसके लिए क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करो। देखो उसका पिक्चर्स बनाओ अपने दिमाग में। लोग गाड़ी खरीदने के लिए गाड़ी का पिक्चर अपने दिमाग में विजुअलाइज करते हैं, अपने घर के लिए घर का पिक्चर अपने दिमाग में विजुअलाइज करते हैं, अपने गैजेट्स के लिए अपने दिमाग में पिक्चर्स को विजुअलाइज करते हैं। क्योंकि अगर आपने इसको विजुअलाइज कर लिया, तो कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करेगा। देखो, बाहर की दुनिया में सक्सेस होने से पहले आपको अपने अंदर की दुनिया में सक्सेसफुल होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अंदर अंदर की दुनिया में आप पहले से अगर मानते हो कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो आपको बाहर की दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए कोई रोक नहीं सकता। सो इसीलिए आप विजुलाइज करो, और इसको आप ट्रेडिंग में भी यूज करो। आप ट्रेडिंग ट्रेड्स लेने बैठ रहे हो, लेकिन वहां पे आप थोड़ा सा आप अपने पेशेंस को खो रहे हो, लेकिन अब से आप ऐसा नहीं कर रहे हो। आप पेशेंटली अपने सेटअप के लिए वेट कर रहे हो, आपने स्टॉप लॉस लगा लिया, अगर आपके स्टॉप लॉस पे प्राइस आ गया तो आप वहां से एग्जिट कर गए, आपने अपने लूजिंग ट्रेड को होल्ड नहीं किया, लेकिन आप अपने प्रॉफिट वाले ट्रेड को होल्ड कर रहे हो, और आपने ट्रेडिंग में इतना प्रॉफिट बना लिया जो आपका ईयरली जो माइल स्टोन होता है कि ये साल में ट्रेडिंग से 1 करोड़ बनाना चाहता हूँ, ये साल में ट्रेडिंग से इतना बनाना चाहता हूँ, उसका आप लोग विजुलाइज करो। वो पैसों का विजुलाइज करो। आप विजुलाइज करो करो कि आपका अकाउंट साइज इतना है, आप ऐसे मार्केट को देख रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, आपको जब लॉस होता है तो आप बुरा नहीं मान रहे हो। तो सब कुछ अपने लिए विजुलाइज करो, कुछ टाइम निकालो, दिन में 10-15 मिनट का टाइम निकालो, वो काफी है विजुलाइजेशन करने के लिए। तो अगर आप ऐसे पिक्चर्स के थ्रू, एकदम क्लियर पिक्चर्स के थ्रू आप विजुलाइज करोगे, और ऐसा महसूस करोगे कि जो भी आप पाना चाहते हो वो ऑलरेडी पा चुके हो, तो इसे क्या होगा कि आप धीरे धीरे वो फ्रिक्वेंसी में खुद को आप ट्यून कर पाओगे, और वो सक्सेस आपको पाना आसान होगा। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया। अब आप लोगों को एक मैं रिएक्शन, मतलब कि एक इक्वेशन देना चाहता हूं, वो है फीलिंग प्लस इमोशन इज इक्वल्स टू अट्रैक्शन, या फिर थॉट्स प्लस इमोशन इज इक्वल टू अट्रैक्शन। देखो, आपके पास थॉट्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो थॉट्स में अगर आप इमोशन को मिक्स कर दो, तो वो आपका अट्रैक्शन बन जाता है। मतलब कि अगर आप ये मानते हो कि मैं सक्सेसफुल हूंगा, मतलब बनूंगा, या मैं सक्सेसफुल बनूंगा, ये आपका थॉट्स है, लेकिन उसके साथ अगर आपने अपने इमोशन को ऐड कर दिया कि हाँ मुझे सक्सेसफुल होना है क्योंकि मुझे दुनिया को दिखाना है, मुझे सक्सेसफुल होना है क्योंकि मुझे अपने फैमिली को प्राउड कराना है, तो अगर आप ऐसे इमोशन को ऐड करोगे अपने थॉट्स के साथ, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत गहरी तरीके से छाप जाएगा। और अगर ये सबकॉन्शियस माइंड पे छप गया, तो आपको वहां से अट्रैक्शन, मतलब कि आपको उसी तरीके का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वही आपको, मतलब आपको वो गोल में पहुंचने के लिए कुछ भी आपको जरूरत पड़ता है, वो आपको सबकॉन्शियस माइंड दिलाने में मदद करेगा। तो ट्रेडिंग में भी आपको थॉट्स और इमोशन को ऐड करो, ठीक है। आप ये थॉट्स को रखो कि हाँ मुझे ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है, और इमोशन को भी ऐड करो क्योंकि मुझे दिखाना है लोगों को, मुझे खुद के लिए कुछ ना कुछ करना है,
ठीक है, तो आप ऐसे इमोशन को ऐड करो, क्योंकि जहां इमोशन होता है ना वहां पे जल्दी से मोटिवेशन भी होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल मतलब एक मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूंगा। क्या आप किसी रास्ते में किसी रिश्तेदार मतलब रास्ते में कोई स्ट्रेंजर के लिए आप जिस तरीके से हेल्प करते हो, ठीक है, वो हेल्प को आप नोटिस करो, एनालाइज करो। और सेम प्रॉब्लम में अगर आप अपने घर में अपने माता पिता को अगर सेम सिचुएशन में अगर हेल्प करना है तो आप कहाँ आप अपना 100% दोगे? ऑब्वियसली अपने माता पिता, क्यों? क्योंकि वहां पे आपका इमोशन है, आपका आपके अंदर आप लव केयर अफेक्शन वो काफी स्ट्रांग है, तो यहाँ आप 100% दोगे। तो वैसे ही अगर आप अपने सक्सेस के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट बनाओगे तो वहां आप 100% दोगे। तो यही है हमारा सबकॉन्शियस माइंड का रूल, ठीक है। तो ये सीरीज में हम लोगों ने सीख लिया कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हो, मतलब हम लोगों ने बेसिक से सीख लिया कि हमारा माइंड क्या है, कितने प्रकार का माइंड है, तो सब कुछ हम लोगों ने सीख लिया, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। तो अभी जो मैंने आपको बोला मेडिटेशन करना, विजुअलाइजेशन करना, अफर्मेशन करना, तो ये सारा का सारा जो प्रैक्टिकल है मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके मैं सिखाऊंगा आपको, मैं मेडिटेशन का पूरा कोर्स दूंगा, ठीक है, तो सब कुछ मैं आप लोगों को दिलाऊंगा। तो ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे साथ जुड़ते रहिए। और अभी के लिए इतना ही, आई होप कि ये वाला कोर्स आप लोगों को समझ में आया। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो आप लोग सीखते जाओ, पढ़ते जाओ और लाइफ में कुछ अच्छा कर लेना। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।